नमस्कार दोस्तों, राघव सर के YouTube चैनल पर आपका एक बार फिर स्वागत है। देखिएगा, आज हम एक नई सीरीज शुरू कर रहे हैं, उसमें इतिहास सब्जेक्ट के शुरुआत करेंगे। और इतिहास में जो आप जानते हैं, इतिहास में जो तीन सेक्शन हैं, प्राचीन, मध्यकालीन, आधुनिक, इसमें हम आधुनिक भारत को शुरू करेंगे आज पहले, क्योंकि आने वाली परीक्षाओं में आधुनिक भारत से क्वेश्चन अधिक होते हैं। तो पहले हम आधुनिक भारत के सेक्शन को कवर करेंगे और फिर चलेंगे एंशियंट और मेडिवल की ओर, ठीक है। तो देखिए, जहां तक आधुनिक भारत की बात है, तो आधुनिक भारत की शुरुआत जो करेंगे हम, वो करेंगे उत्तर मुगल काल से। समझिएगा, उत्तर मुगल काल अर्थात मुगलों का पतन। समझिएगा, मुगलों का पतन, इस टॉपिक से हम शुरुआत करेंगे। तो मुगलों का पतन का सेक्शन जो होता है, हम जानते हैं कि 1707 से 1857 तक की क्रांति के समय तक का सेक्शन होता है, इसको हम देखेंगे पहले, ठीक है। और सबसे पहले हम देखेंगे इनमें कौन कौन से राजा हुए और उनकी क्या उपलब्धियां हुई, जो मुगल बादशाह थे उनको देखते हैं। देखिए, जो औरंगजेब के बाद जो शासक बनता है, उसका नाम था बहादुर शाह प्रथम। तो बहादुर शाह प्रथम जो है 1707 से 1712 तक शासन करता है। और हम जानते हैं कि चूंकि औरंगजेब जो इसका पिता, औरंगजेब इसका शासन काल 1658 से 1707 रहा, ये काफी लंबे समय तक शासक रहा और इसने शासन किया लंबा समय शासन। तो औरंगजेब काफी लंबा शासन करता है और इसके पहले ही वो 20 साल तक दक्षिण का सूबेदार भी था, दक्षिण में सूबेदार था। अर्थात औरंगजेब लगभग 50-70 साल शासन करता है। और हम जानते हैं कि उसकी जो उसका जो जन्म हुआ था 1618 में हुआ था। तो इसका अर्थ यह है कि औरंगजेब लगभग 88-90 साल की उम्र में मरा। अब जब ये जो क्योंकि महाराजा हुआ करते थे, इनकी शादी वगैरह भी जल्दी हुआ जाती थी, तो औरंगजेब जब 70-90 साल में खुद मरता है, तो समझ सकते हैं कि उसका जो बेटा मुअज्जम था उसकी उम्र कितनी रही होगी। तो हम जानते हैं कि जो मुअज्जम था ये लगभग 65-70 साल का रहा होगा, ठीक है, समझिएगा। अब कोई व्यक्ति 65-70 साल की उम्र में जब राजा बनता है, क्योंकि ये राजकुमार भी कहलाते थे, समझिएगा, तो ऐसे राजकुमार जो 65-70 साल की उम्र में बैठते हैं गद्दी पर, तो उनका मन राजकाज में कैसे लगेगा, ये सोच सकते हैं। हालांकि हम बात करते हैं पहले इनके कुछ कामों की। तो सबसे पहले बहादुर शाह प्रथम ने क्या किया, संभाजी के जो पुत्र थे साहू जी को मुगलों के कैद से आजाद किया, ठीक है। मुगलों के जो कैद से वो रखा गया था, उनको क्या किया, आजाद कर दिया, समझेगा, साहू जी को। और इसके काल में जो सिख गुरु के पुत्र शिष्य जो सिख गुरु थे गुरु गोविंद सिंह, तो जो गुरु गोविंद सिंह थे साहू जी के शासन काल में एक सिख नेता था बंदा बहादुर। बंदा बहादुर जिसके बचपन का नाम बंदा बहादुर लक्ष्मण देव था, समझिएगा। तो बंदा बहादुर ने मुगलों के खिलाफ विद्रोह कर दिया इसके शासनकाल में।
खिलाफ ये विद्रोह कर दिया। बहादुर शाह प्रथम इनके इसके विद्रोह को दबाने के लिए परेशान था, क्योंकि ये इतने देर में शासक बना तो इसको बहुत दिन तक बना, बहुत देर भी बना। इस कारण से क्या होता है, इसका मन जो है राजकाज में नहीं लगता है, प्रशासन के संबंध में नहीं लगता है मन। तो हमारे इतिहासकार बहादुर शाह प्रथम को शाह बेखबर कहते हैं, शाह ए बेखबर। ध्यान दीजिएगा, जो शाह बेखबर था ये उपाधि दी गई थी बहादुर शाह प्रथम को। बहादुर शाह प्रथम ने दो काम किए, एक तो साहू जी जो थे संभाजी के पुत्र, उन्होंने मुगलों के कैसे आजाद किया और बंदा बहादुर के खिलाफ कुछ युद्ध किए, बाकी इन्होंने कोई विशेष कार्य नहीं किया। देखिए बहादुर शाह प्रथम के बाद जो शासक बनता है अगला मुगल शासक, ये 1712 मर जाते हैं, तो इनके बाद जो अगला शासक बनता है उसका नाम था जहादार शाह। जहादार शाह का शासनकाल 1712 से 1713 तक था, बहुत अल्पकाल था इनका शासन। जो जहादार शाह था इसने एक दो काम किए, जैसे इसने जो आमेर के शासक थे, आमेर के शासक सवाई जय सिंह, इन्हें मिर्जा को उपाधि देता है, और मारवाड़ के शासक अजीत सिंह को महाराजा की उपाधि देते हैं, महाराजा की उपाधि। सवाई जय सिंह को मिर्जा की उपाधि और अजीत सिंह को महाराजा की उपाधि देता है। हम जानते हैं जहादार शाह की एक प्रेमिका गणिका थी, एक गणिका जो कि इसकी प्रेमिका थी लाल कुंवर, समझिएगा, जो लाल कुंवर थी उसका प्रभाव जहादार शाह पे था। कहते हैं जहादार शाह इसके प्रभाव में ही निर्णय लेता था। हमारे इतिहास का जहादार शाह को एक उपाय देते हैं, उन्हें कहते हैं लंपट मूर्ख। लंपट मूर्ख इसलिए कहते हैं क्योंकि ये एक अपनी गणिका के प्रभाव में लेकर आके निर्णय ले रहा है। अब देखिएगा, हम जानते हैं कि जहादार शाह जो है इसने आमेर के राजा जो थे जय सिंह, इन्हें मिर्जा को उपाधि दिया, और महाराजा मारवाड़ को मारवाड़ के जो शासक थे अजीत सिंह, उन्हें महाराजा को उपाधि देता है। इसके शासनकाल में सैयद बंधु आ गए हैं और सैयद बंधुओं ने इसको हटाकर इसकी हत्या करवा दी और फरुखसियर को शासक बनाते हैं, समझेगा, फरुखसियर। तो देखिए जो अगला शासक हुआ वो फरुखसियर था। जो फरुखसियर था इसका शासनकाल था 1713 से 1719। चूंकि हम जानते हैं कि फरुखसियर जो है ये सैयद बंधुओं की मदद से गद्दी बैठा, मम्मी मोबाइल भी लेते आना है। तो सैयद बंधु
समझेगा, फर्रुखशिया जो है 1713 से 1719 तक शासन करता है, और ये जो है सैयद बंधुओं की मदद से गद्दी बैठा। सैयद बंधु थे जो इनके दरबार में इन्होंने अपने अपना प्रभाव इसके ऊपर स्थापित कर लिया था पूरे दरबार में, और ये लोग जिसको चाहते थे उसको शासक बना देते थे। एक तरह से एक समय ऐसा आएगा कि सैयद बंधु जो है, जो सैयद बंधु थे एक अब्दुल्ला खान और दूसरे थे हुसैन अली, सैयद बंधुओं को फर्रुखशिया ने प्रमुख पद दिए, जैसे अब्दुल्ला खां को वजीर नियुक्त किया और हुसैन अली को मीर बख्शी। ये लोग जब प्रमुख पद पा जाते हैं तो इन लोगों का दरबार में काफी प्रभाव हो जाता है। देखिए इधर सर फर्रुखशिया जब शासक शासन करता है तो हम जानते हैं कि फर्रुखशिया ने इसने 1716 में जो सिख नेता था बंदा बहादुर, उसकी हत्या करवा दी। समझिएगा, हमें भी जानते हैं कि फर्रुखशिया अंग्रेजों को बंगाल बिहार उड़ीसा की दीवाने दे देता है और उन्हें वहां पर व्यापार करने की अनुमति देते हैं, जो भारत में बाद में बहुत ही भारत के लिए नुकसानदायक हुआ। तो फर्रुखशिया जो है अंग्रेजों को छूट देता है। फर्रुखशिया काफी कुछ काम करना चाहता है लेकिन सैयद बंधुओं के प्रभाव के कारण, सैयद बंधुओं की दरबार में जो पकड़ थी इस कारण से फर्रुखशिया स्वतंत्र नहीं रह सका। शीघ्र ही फर्रुखशिया ने सोचा कि अब सैयद बंधुओं से मुक्ति मिल लेनी चाहिए और उसने दिमाग लगाया और अब्दुल्ला खान तथा हुसैन अली को अलग करने की सोची। लेकिन जैसे ही हुसैन अली को इस बात की भनक लगती है कि फर्रुखशिया हमें खत्म करना चाहता है, तो उसने अब्दुल्ला के खान के साथ मिलकर फर्रुखशिया की हत्या करवा दी। और इसके बाद फर्रुखशिया की हत्या के बाद सैयद बंधुओं ने कई लोगों को शासक बनाया। इतिहास में सैयद बंधुओं को नृप निर्माता कहा जाता है। नृप निर्माता अर्थात किंग मेकर। तो फर्रुखशिया के शासनकाल की ये प्रमुख बातें थी। इस फर्रुखशिया के बाद चूंकि कई शासकों को इन्होंने बनाया लेकिन जो इसमें से महत्वपूर्ण शासक बना जो उसका नाम था मोहम्मद शाह 1719 से 1748। देखिए जो मोहम्मद शाह शासन करता है तो सैयद बंधु इसको बनाते हैं लेकिन शीघ्र ही मोहम्मद शाह चिंकिलिज खां की सहायता से सैयद बंधुओं की हत्या कर देते हैं। समझिएगा, सैयद बंधुओं की हत्या हो जाती है मोहम्मद शाह के शासनकाल में। देखिए और शीघ्र ही चिंकिलिज खां वजीर के पद पर बनता है, नियुक्त होता है। लेकिन चिंकिलिज खां का एक और नाम था, जो मूल नाम था चिंकिलिज खां का, वो था निजाम उल मुल्क। तो चिंकिलिज खां शीघ्र ही मोहम्मद शाह से ऊब गया, एक तरह से कह सकते हैं, था तो वजीर ही लेकिन इनसे छुटकारा पाना चाह रहा था। कुछ मतभेद हुए और यह जो है एक दिन शिकार के बहाने यहां से निकल जाता है और जाकर हैदराबाद की स्थापना करता है। हैदराबाद की स्थापना करता है 1724 में। मोहम्मद शाह के शासनकाल में
कई प्रांत छोटे छोटे प्रांत मुगल सत्ता से निकलने लगे। इसी इधर से इसमें निकला हैदराबाद, इसके बाद बंगाल, इधर मथुरा, भरतपुर, अवध, ये सारे प्रांत मोहम्मद शाह की जो केंद्रीय सत्ता थी उससे स्वतंत्र होने का प्रयास करने लगे और इन सभी ने स्वतंत्र प्रांत की स्थापना कर ली। सभी ने, हैदराबाद ने भी, बंगाल ने भी, मथुरा ने भी, भरतपुर ने भी और अवध ने भी, इन सभी ने अपने अपने प्रांत की स्थापना कर ली स्वायत्त प्रांत के लिए। हैदराबाद को मोहम्मद शाह शीघ्र ही अपनी अनुमति दे देते हैं और चिंगलिस खान को आसफ जाह की उपाधि देते हैं। मोहम्मद शाह के शासनकाल में एक प्रमुख बात हुई थी, मोहम्मद शाह के शासनकाल में जो प्रमुख बात हुई वो ये था कि 1739 में ईरान के शासक नादिर शाह ने भारत पर आक्रमण किया और दिल्ली को लगभग 57 दिन तक लूटा। निजामुल मुल्क के हस्तक्षेप के बाद जब ये जाता है वापस तो अपने साथ ही जो शाहजहां द्वारा बनवाया गया मयूर सिंहासन था वो ले गया और उसमें जो हीरा जड़ित था जो कोहिनूर उसे भी ले गया। यहां पर जो 1747 में नादिर शाह लूटपाट करता है दिल्ली में, फिर युद्ध करता है, वो जो युद्ध होता है उस युद्ध का नाम था करनाल का युद्ध। समझेगा, तो करनाल के युद्ध में नादिर शाह मुगलों को पराजित करता है और दिल्ली को लूटता है लगभग 57 दिन तक और जाते समय मयूर सिंहासन और कोहिनूर हीरा भी ले जाता है। नादिर शाह के बाद उसका बेटा अब्दुल शाह अब्दाली भारत पे आक्रमण करता है। ठीक है, तो देखिएगा नादिर शाह के बाद अहमद शाह अब्दाली जिसे दुर्रे दुर्रानी कहा जाता है, इसने 1748 में भारत पर आक्रमण किया। अब देखिए जब अहमद शाह अब्दाली आक्रमण करता है भारत पे तो इसके खिलाफ जो युद्ध करते हैं वो मोहम्मद शाह का बेटा अहमद शाह। देखिए कंफ्यूज मत होइएगा, यहां अहमद शाह अब्दाली है और यहां मोहम्मद शाह का बेटा अहमद शाह है। इन दोनों के बीच युद्ध होता है जिसमें अहमद शाह विजयी होता है। अब्दाली हालांकि इसके बाद कई आक्रमण करता है भारत में लेकिन इसी समय फिर मोहम्मद शाह का मोहम्मद शाह की मृत्यु हो जाती है, उसका शासनकाल समाप्त हो जाता है। मोहम्मद शाह को भारत में इतिहासकारों द्वारा एक उपाधि दी गई। क्यों उपाधि दी गई है, इसकी कुछ खासियत है, जरा देखिए। तो मोहम्मद शाह जो है कुछ एक विशेष विचारधारा का था, वो कभी कभी बिना कपड़ों के दरबार में चला आता था, ट्रांसजेंडरों के बीच बैठा रहता था। इस कारण से इतिहासकार मोहम्मद शाह को रंगीला की उपाधि देते हैं, इसकी उपाधि देते हैं रंगीला की। तो देखिएगा रंगीला की उपाधि किसे दी गई, मोहम्मद शाह को। अब तक हमने
जो प्रमुख उपाधियां देखी उसमें देखिएगा रंगीला तो मोहम्मद शाह का हो गया, और जो फरूशियर था उसे जो है इतिहासकार घृणित कायर कहते हैं, जबकि जहांदार शाह को लंपट मूर्ख और बहादुर शाह प्रथम को शाह ये बेखबर कहते हैं। ठीक है, देखिए हमने सिर्फ महत्वपूर्ण बातें चर्चा की जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, अब इसके आगे की श्रृंखला हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।